Good morning, chick girl. गुड मॉर्निंग। किसको ढूंढ रही हैं? ये बंगला किसका है? साहब का अपना है। साहब? साहब कौन सा? जॉन मेंडोंसा साहब। जॉन मेंडोंसा? मैं पर मैं यहाँ कैसे आई? क्या बात करती हैं मैडम, कल रात को यहाँ क्रिसमस पार्टी थी और आप खुद ही यहाँ आई। एक एक करके सारे वापस चले गए और आप। अंजलि ना मुझे एयरपोर्ट पर लेने आई ना घर पर मिलती हो, पागलों की तरह फोन किया जा रहा हूं मैं। तुम उठाती क्यों नहीं? What the hell is going on? ओह शेखर, I'm so sorry, मैं तो भूल ही गई थी तुम आ रहे हो। तुम घर आ रहे हो ना? जी नहीं, मुझे ठीक 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचना था और मैं पहुंच चुका हूं। सिर्फ यही बताने के लिए फोन किया था कि अब आपको एयरपोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं। ओके, स्पीक अप डैम इट। शेखर, तुम प्लीज घर आ जाओ, प्लीज घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। What is wrong with you, Anjali? 15 मिनट में मुझे एक VIP का ऑपरेशन करना है, मैंने बताया ना तुम्हें। अगर ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें नर्सिंग होम के लिए लोन मिलने में आसानी हो जाएगी। फिर तुम जिंदगी भर मुझे कहती रहना और मैं सुनता रहूंगा। ओके, आई गॉट गो नाउ, प्लीज बाय फॉर नाउ। शेखर बस, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है, किसी को धोखा नहीं दिया है, कोई बेईमानी नहीं की है। मैं कह रही हूं ना, तूने ऐसा कुछ नहीं किया है। नहीं गीता, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है गीता। मैं किसी और के बिस्तर में थी गीता। गीता, I don't know. मुझे क्या हो गया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे कुछ पिला दिया था या मैं नींद में चढ़ के वहां पर पहुंच गई थी। लेकिन लेकिन जब मेरी आंखें खुली ना, तो वो अजनबी मेरे पास था, मेरे करीब था। जी जी जी, I'm feeling so miserable, गीता। गीता, मुझे इतनी घृणा आ रही है अपने आप पे, मैं तब मुंह कैसे दिखाऊंगी शेखर को गीता। तूने सपना देखा है? मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, तू शुरू से एक शर्मीली लड़की रही है। याद है स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भी तू नन बना करती थी, हाँ याद है ना? अरे पागल, वो तो मैंने ढूंढ ढांड के तेरी शादी शेखर से करा दी, वरना तू नन बन के ही फिरती। और तू कह रही है कि तू किसी और मर्द के साथ
पागल, इट्स नॉट पॉसिबल. गीता, ये सच है, ये सच है. नहीं, नहीं. हाँ. सच है? हाँ. सच लगता है तुझे? तो एक अभी पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ. हेलो मैरी, मैं गीता बोल रही हूँ. कल रात तुम्हारी मैम साहब घर पे थी कि नहीं? घर पे ही था मैडम साहब, बाहर गया था इसलिए मैडम ने जल्दी खाना खाया और जल्दी सो गया. सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए हमने तो उठाया मैडम को. क्या बात है मैडम? कुछ नहीं हुआ मेरी, कुछ भी नहीं हुआ. पागल, मैं जानती हूँ आजकल तू बहुत परेशान है. तेरी शादी को 5 साल हो गए और तू मां बनना चाहती है ना. तुझे शेखर को समझना चाहिए. देख, एक बार वो सेटल हो जाएगा, उसका नर्सिंग होम हो जाएगा तो वो तेरी बात मान लेगा. Santa Claus is coming tonight at 9 Gulmohar Road, Juhu. Please come and join me tonight. Merry Christmas. John Mendonca. हमेशा आज ही के दिन होती है, 25 दिसंबर को. शेखर, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि शेखर, 2 मिनट्स. I want to talk to you 2 minutes. What's wrong with you, baby? शेखर, please put the phone down. 2 minutes. ठीक है, बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम सुबह से? नहीं शेखर, सुबह से जो मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ वो मैं नहीं कहना चाहती. मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि आज आज क्रिसमस है. आज क्रिसमस है. आज क्रिसमस है, यही बताने तुम इतनी दूर से आई हो. थैंक यू वेरी मच. तुम नहीं आती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता. सुनो सुनो, कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो. मुझे लग रहा था कि तुम्हारे साथ धोखा कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है. मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर रही हूँ. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी दूसरे आदमी के बिस्तर में किसी दूसरे के साथ सोई हुई हूँ, लेकिन
लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। और पर आज क्रिसमस है ना, आज शायद शायद ये सच हो सकता है। तुम ठीक तो हो ना अंजलि? मैं ठीक हूँ। क्या बकवास किए जा रही हो तुम? ये देखो जॉन मेंडोंसा, ये वो आदमी है। मुझे पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है कि कुछ अनहोनी ना हो बैठे। मुझे डर लग रहा है। तुम प्लीज 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 आज मेरे साथ पार्टी चलोगे प्लीज, ताकि तुम समझे हो ना। मैं बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। What you need is rest, आराम की जरूरत है तुम्हें। नहीं कितनी बार आए, you need to relax, just chill out। किताबें लिखते लिखते तुम्हारी जिंदगी खुद एक किताब बनी। अब घर जाओ, ये दो गोलियां लो और ये दो गोलियां लो और सोने की कोशिश करो, ओके? एंड नो पार्टी वार्टी। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ओके? विल बी फाइन जस्ट गेट सम रेस्ट। हेलो, पार्टी में आने का शुक्रिया अंजलि। अगर मुझे सचमुच मालूम होता कि तुम इस पार्टी में आने वाली हो तो मैं इन फूलों पर कभी पैसे खर्च नहीं करता। देखो ना कितने फीके लग रहे हैं फूल तुम्हारे सामने। जानती हो तुम बिल्कुल वैसे ही लग रही हो जैसे कॉलेज में लगा करती थी। वही आंखें, वही होंठ, नहीं होंठों की मुस्कुराहट जरा कम हो गई। खैर वो तो वैसे भी वापस ही आ जाएगी। क्या सोच रही हो अंजलि, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं ही हूं जो तुम्हारे चाहने वालों की कतार में सबसे पीछे खड़ा रहता था, पर कभी तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं। और तुमने शेखर से शादी कर ली, डॉक्टर शेखर, जिनके मरीज उनकी दुनिया है। कितनी अजीब बात है ना अंजलि, शेखर के पास तुम हो और वो पैसा कमाना चाहता है, और मेरे पास पैसा ही पैसा है मगर तुम नहीं, और तुम्हारे पास ना पैसा है ना प्यार। क्या सोच रही हो अंजलि, मैं तुम्हें ये दोनों दे सकता हूं, पैसा भी और प्यार भी। अपने सामने वो कमरा देख रही है, फूलों की खुशबू का पीछा करते करते सीधे उस कमरे की तरफ आ जाओ। तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, तुम्हारे बहुत पास हूं। सीधा मेरी तरफ चलो, मेरे पास आओ अंजलि। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं अंजलि, मेरे पास आओ अंजलि।
पास आओ अंजलि। जॉन मंडोन सर, रमेश मोदी, फिरोज शेख, ये सब मैं ही। पिछले 10 सालों से बार बार तुम्हें नाम बदलकर अपनी पार्टियों में बुलाने की कोशिश करता रहा। ईद, क्रिसमस, दिवाली, मैंने ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा अंजलि, लेकिन तुम नहीं आए। लेकिन आज इस पार्टी में आकर तुमने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। तुम इस जमीन पर कुदरत का सबसे हसीन तोहफा हो। लेकिन एक मिनट, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा। मैं अभी आज के अगर हम सही वक्त पे नहीं पहुंचते तो I'm sorry, darling, मैंने हमेशा अपने काम को ज्यादा अहमियत दी है तुमसे, but I promise you, ऐसा अभी कभी नहीं होगा। Promise. शेखर, शेखर, मैंने ये सब कुछ एक दिन पहले कैसे देख लिया? हमारे मेडिकल प्रोफेशन में इसे
इसे टाइम ट्रैवलिंग कहते हैं। तुम्हें अपने भविष्य में कदम रखने की काबिलियत है। तुमने फिर से अपना भविष्य देखना शुरू कर दिया अंजलि, हमारा भविष्य।